नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हमारी ये पार्टनरशिप का पार्ट थ्री है। इससे पहले दोस्तों, हम लोग पार्टनरशिप के पार्ट फर्स्ट में इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सभी दोस्तों हमने आपके साथ डिस्कस किए थे, और इससे रिलेटेड जो हमने दो टाइप आपके साथ अब तक डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग पहले इसके पार्ट फर्स्ट और सेकंड को जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद आप लोग इस पार्ट को देखिएगा, तभी आप लोग को ये चीज़ है और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगी। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोग को अगर नहीं देखा, उसको देखने के लिए आपके स्क्रीन पर एक ऊपर राइट साइड में एक आई आइकन का बटन आएगा, जहाँ से क्लिक करके आप लोग दोस्तों इसके पार्ट फर्स्ट और सेकेंड को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पार्टनरशिप के पार्ट थ्री में मिस्र साझेदारी की। ये दोस्तों हमने पार्ट सेकंड में फॉर्मूला आपके साथ डिस्कस किया था। अगर हमें टाइम में परिवर्तन हो, अगर हमारे समय में परिवर्तन हो, तो हमें इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, और दो साझेदार दिए हों तब आपको इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। यानी कि अगर दो से ज़्यादा होंगे तब आप लोग इसको लगाएंगे, और अगर दो होंगे तो आप लोग सिंपल है इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ओके, ये सारी चीज़ें जो दोस्तों थी मैंने इसके पार्ट सेकेंड में बताई थी। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग उसे देख कर आए होंगे, तभी इसको देख रहे होंगे तो ये चीज़ आपके बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी। आज दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे कुछ क्वेश्चन रह गए थे, जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वो आज हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपके साथ हैं। बी एस ए ट्री की क्लासेस आपके साथ है, कोई भी अगर समस्या हो तो बिल्कुल आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपने क्लास को। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोग को अपने एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक वाइज पार्टनरशिप चल रहा है, तो पार्टनरशिप का पार्ट थ्री है। ओके, चलिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दो साझेदार हैं, यानी कि दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है। इन्होंने जो है 5:3 में पूंजी लगाकर एक व्यवसाय आरंभ किया है, यानी कि इन दोनों ने 5:3 में अपने पूंजी लगाकर एक बिजनेस को शुरू किया है, एक बिजनेस स्टार्ट किया है। और ए भैया क्या करते हैं, अपनी पूंजी को कुछ महीने बाद व्यवसाय से निकाल लेते हैं। ए जो होते हैं, कुछ रुपए जो होते हैं वो अपने व्यवसाय से निकाल लेते हैं। ठीक है, यदि व्यवसाय 2 वर्षों के लिए किया जाए, कितने वर्षों के लिए व्यवसाय किया जा रहा है, 2 वर्षों के लिए अगर व्यवसाय किया जाए, तो वर्ष के अंत में हुए लाभ को 5:4 में बांट दिया गया हो, लाभ को 5:4 में बांट दिया गया हो, तो ए अपनी पूंजी जो है कितने महीने बाद व्यवसाय से निकाल लेगा। तो कितने महीने बाद, इसने आपको बताना है कितने महीने बाद व्यवसाय से इसने निकाली थी ए ने अपनी पूंजी। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर आपके दो पार्टनर दे रखे हैं, और हमने आपको बताया जब आपके दो साझेदार होंगे तो आपको इस फॉर्मूले को यूज करना है, P1 upon P2 equal to C1 T1 upon C2 T2। ये P क्या है आपका, P फॉर प्रॉफिट है, यानी कि जो लाभ होगा वो उसका दे रखा है। ठीक है, और आपका C क्या है, ये कैपिटल है, कैपिटल का मतलब पूंजी है। और आपका T क्या है, T फॉर टाइम है, यानी कि समय है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब दोस्तों इस फॉर्मूले को यूज़ करके क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल बहुत ही ईजी हो गया है। देखिए क्या बताया था हमने आपको, P1 upon P2 बराबर होता है आपका C1 T1 upon C2 T2। ओके, ये चीज आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों कुछ रह ही नहीं जाता इस क्वेश्चन में, यहाँ पर आपको पता है दोनों की पूंजी क्या दे रखी है, 5:3 में, यानी कि आपको C1 upon C2 पता है 5 है और अपॉन में 3 है। अब आगे पढ़ते रहिए, जो जो कह रहा है बस वो फिलअप करना है इसमें। ए अपनी पूंजी कुछ महीने बाद निकाल लेता है, हमें पता ही नहीं ए ने कितने महीने के लिए लगाई, मान ले रहा ए ने एक्स महीने के लिए लगाई है। यदि व्यवसाय 2 वर्षों के लिए किया जाए, अब आपको पता है व्यवसाय जो है 2 वर्षों के लिए किया गया है, टाइम कितना है 2 वर्ष है। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या, महीने में बात करनी है, महीने में बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि इसको महीने में चेंज करने के लिए 12 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार यहाँ पर 24 महीनों का टोटल ये बिजनेस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, बी जो है, बी ने तो अपना टाइम जो है पूरा स्पेंड किया है यहाँ पर, यानी कि बी ने 24 महीने के लिए पूरा रुपया लगाया, बी का टाइम तो 24 महीने, लेकिन हमें ए का टाइम नहीं पता, तो मान लिया एक्स है और यही हमें निकालना है। अच्छा, दोनों के प्रॉफिट का रेशियो आपको दे रखा है कि वर्ष के अंत में हुए लाभ को 5:4 में बांट लेते हैं, यानी कि इसको 5 हिस्सा मिलता है, इसको 4 हिस्सा मिलता है। अब बस दोस्तों, अब यहां से आप लोग एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो जितना बड़ा दोस्तों ये क्वेश्चन है, उतना ही सिंपल इसका आंसर है। बिल्कुल दोस्तों आप लोग टेंशन ना लीजिए, जब तक हम आपके साथ हैं क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाएगा। 6 × 3 = 18, 1 मिनट, 5 से 5 कैंसिल हो गए, और आपका यहाँ से दोस्तों एक्स की वैल्यू आ जाएगी x = 18 महीने, 18 महीने निकला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ए जो है अपनी पूंजी कितने महीने बाद व्यवसाय से निकालता है, तो ये निकालता है ए जो 18 महीने के बाद।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, माइंड में बिल्कुल फिक्स हो गया होगा। ओके क्लियर है ना बिल्कुल? अगर नहीं समझ में आए तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, वरना तो दोस्तों मैं समझूंगा कि आपके समझ में आ गया है। चलिए दोस्तों एक इसी टाइप का क्वेश्चन सेकेंड है, जहां पर आपके दो से अधिक साझेदार हैं। ठीक है, तो दोस्तों जब हमने बताया था जब आपके दो से ज्यादा साझेदार हो तब आपका ये फॉर्मूला लगता है P1 P2 P3, ये सारे रेशियो में इक्वल टू C1 T1 इज टू C2 T2 इज टू C3 T3। तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करके दोस्तों आप लोग इस क्वेश्चन को लगाना है। तो दोस्तों आप लोग पहले खुद से कोशिश कीजिए, क्या पता आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में लगा सकते हो। ठीक है, तो पहले आप लोग लगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसी ट्रिक से कि कैसे लगाना है। कोशिश कीजिए, वीडियो को यहाँ पर पुश कीजिए और लगाइए। जैसा कि दोस्तों हम बताते ही रहते हैं कि हमारा जो है प्रैक्टिस सेट अलग चल रहा है और टॉपिक वाइज जो है कंटेंट अलग चल रहा है, तो दोस्तों आप लोग टॉपिक वाइज भी पढ़ते रहिए। ठीक है, ये आपके सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है, चाहे आप लोग SSC की, UP SSS, UPSC, जिसमें आपकी मैथ्स आती है, मैथ्स में आपका ये टॉपिक जो है सभी एग्जाम में आप लोग का आता है, चाहे बैंकिंग की तैयारी करें चाहे आप लोग किसी की भी करें। ठीक है, इस टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा, ताकि आप लोग की ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए, कहीं पर भी कोई आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहे ना। बिल्कुल मैथ्स तो आप लोग बिल्कुल मैजिक की तरह लगाए, बिल्कुल जादू बना ले मैथ्स को, कि क्वेश्चन लिखा और आंसर आप लोगों ने लिखा और सीधे आंसर निकाल दिया, ऐसे मैथ्स सीखिए आप लोग। ओके फिलहाल दोस्तों अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। देखिए यहाँ पर ए बी और सी ये तीन लोग हैं, एक बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? ए जो है वो कुल पूंजी का, जो टोटल पूंजी लगी होगी बिजनेस में, उसका 1/3 भाग ए लगाता है और 1/3 समय के लिए निवेश करता है। यानी कि ए जो है टोटल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश करता है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? जबकि बी जो है वो 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगाता है। बिल्कुल कंफ्यूज ना हो दोस्तों, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दे रखा है। ए क्या करता है, वो पूरी पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए निवेश कर रहा है, और बी क्या कर रहा है, वो कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए लगा रहा है। लेकिन सी क्या करता है, जबकि सी शेष पूंजी, जो भी शेष पूंजी बची होगी, वो पूरे समय के लिए लगाता है। तो इस प्रकार दोस्तों अंत में उन्हें लाभ होता है 13,800 रुपए का। तो आपको बताना है कि सी का हिस्सा क्या होगा। तो कुछ नहीं है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से लगाइए दोस्तों, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों सबसे पहले सी का हिस्सा पूछा जा रहा है, तो देखिए आप लोग क्या करिए, सी की पूंजी पहले पता कीजिए, सी की पूंजी है कितनी यहाँ से। तो सी की पूंजी मान लिया, अगर पूरा हिस्सा एक होगा, इसमें से 1/3 भाग ए का है और 1/6 भाग आपका बी पूंजी का, तो इससे में से घटा देंगे तो शेष निकल आएगा हमारा 1/3 भैया ए का था और 1/6 भैया जो था वो बी का, बी भाई साहब जी का था। तो इस प्रकार दोस्तों इनका आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर आप लोग एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3/6 इसको सॉल्व करने पर। और दोस्तों इस प्रकार सी की पूंजी आप लोग निकाल सकते हैं हाफ। तो दोस्तों इस प्रकार सी की पूंजी कितनी आ गई, हाफ आ गई। और दोस्तों हमने फॉर्मूला आपको क्या बताया था, P1:P2:P3 बराबर आपका क्या होता है, C1:P1 C2:T2:C3:T3। ये चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल माइंड में अपने फिक्स रखिएगा, बहुत ही सिंपल हो जाता है दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन। देखिए क्या है यहाँ पर, P1 P2 P3 का मतलब है A1 आपका ABC, इन सबका आपको पूंजी का रेशियो दे रखा है। ठीक है, ये सबके प्रॉफिट का हिस्सा है यहाँ पर, क्योंकि P4 प्रॉफिट है। अब C1 का मतलब क्या है, हमारा A की पूंजी। A की पूंजी कितनी है दोस्तों, 1/3 है, और ये कितने समय के लिए लगाता है दोस्तों, 1/3 समय के लिए लगाता है। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। अब देखिए C2 का मतलब हमारे B की पूंजी कितनी है, 1/6 है, और ये कितने समय के लिए लगाता है, सिर्फ 1/6 समय के लिए लगाता है। ठीक है, और अब देखिए C3 और T3 देखिए। अब देखिए सी का मतलब क्या है यहाँ पर, सी जो है शेष पूंजी, शेष पूंजी अभी हम लोगों ने निकाली कितनी है, सी की पूंजी है 1/2, और कितने टाइम के लिए दोस्तों ये लगा रहा है, ये पूरे समय के लिए लगा रहा है, यानी कि मान ले रहा है पूरा समय हो गया एक। बस अब दोस्तों आप लोग इस रेशियो को सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, 1/3 3 9:1/36:1/2। और इसे सिंपल में 9 36 2 का एलसीएम लीजिएंगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, तो पूरे को 36 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 36 से मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ 36 यहाँ 36 यहाँ 36 आएगा, तो 9 चौक 36। इतनी बात क्लियर हो रही है आपके? फिर 36 एकम 36, फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 18 दुनी 36। तो दोस्तों इस प्रकार आपका रेशियो आ गया ए बी सी के प्रॉफिट का, जो लाभ का रेशियो आया वो हमने निकाल लिया
क्या निकाला दोस्तों? 4:1:18। इतनी बात क्लियर हो गई आपके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कह रहा है, टोटल जो है उन्हें कितने का लाभ हुआ सबको? 13,800 रुपए का। ठीक है, कितने रुपए का लाभ हो रहा है यहाँ पर? 13,800 रुपए का लाभ हो रहा है। तो दोस्तों क्या करना है आपका, और सी का निकालना, सी का हिस्सा कितना? देखिए सी का यहाँ पर कितनी वैल्यू निकल गई, सी का जो यहाँ पर निकल गया हिस्सा वो है 18। तो इस प्रकार सी का हिस्सा होगा आपका 18। टोटल कितना है? 18 × 19 = 20 = 21 = 23। 23 × टोटल प्रॉफिट में से इसका हिस्सा निकालना, तो 13,800 रुपये है। अब इसे आप लोग काट लीजिए, किससे कटेगा देखिए। तो दोस्तों क्या जाएगा आपका यहाँ पर? 23 6 होता है 138, 2 0 आगे लग जाएंगे, और फिर 18 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 18 6 108 और आगे 2 0। तो दोस्तों सी का हिस्सा यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10,800 रुपये। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कति माइंड में फिक्स हो गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है करने के लिए, बस अगर आपको दोस्तों तरीका पता है तो क्वेश्चन आप लोग चुटकियां बजाते लगा लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्वेश्चन लगाने में, बहुत ही आसानी से आप लोग लगा सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा जो टाइप हमने डिस्कस किया था, ये फिनिश हो गया। अब इस चैप्टर में बात करते हैं अगर नेक्स्ट टाइप की। अगर टाइप क्या, देखिए सबसे पहले इसे समझिए क्या टाइप है। यदि पूंजी में परिवर्तन हो तो क्या करेंगे? तो इसको बस ध्यान रखिए कि लाभ जो होता है वो समानुपाती होता है पूंजी एवं समय के गुणनफल के योग के। ये बात दोस्तों अभी आपको इस क्वेश्चन से बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हम दोस्तों आपसे, देखिए समझिए। ए और बी जो हैं दो पार्टनर हैं जो क्रमशः 45,000 रुपये और 60,000 रुपये लगाकर एक बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, यानी कि दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर है भैया ए और एक पार्टनर है भैया बी। इन दोनों ने भैया इतने इतने रुपए लगा के एक बिजनेस को शुरू किया, ठीक है। लेकिन 3 महीने बाद देखिए ए अपनी पूंजी में से 15,000 रुपये की वृद्धि कर देता है, यानी कि इनने 45,000 रुपये पहले लगाए थे, इनने 15,000 रुपये बिजनेस में और लगा दिए। किसने लगा दिए? ए ने लगा दिया 3 महीने बाद। और बी ने क्या किया? उतने ही रुपए बिजनेस से निकाल लिए, यानी कि 60,000 पहले थे, इसमें से 15,000 निकाल लिए, ठीक है, उसके 3 महीने बाद। अब देखिए यहाँ पर तीसरा पार्टनर जुड़ रहा है, उसके 3 महीने बाद सी ने 75,000 रुपये लगाकर व्यवसाय में शामिल हो जाता है। यदि वर्ष के अंत में हुए लाभ में से ए को बी से 5,000 रुपये अधिक मिले हो तो सी का हिस्सा क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, अभी बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएगा। ओके, तो समझिए देखिए दोस्तों क्या करना है आपको यहाँ पर, ध्यान से देखिए। सबसे पहले काम भैया कितने हैं अभी हमारा, ए और बी है, 3 ही लोग हैं, तो मैं 3 ही लोगों के हिसाब से लगाना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। अब ए ने कितने रुपए लगाए हैं आप ध्यान से देखिए, 45,000 रुपये। सबसे पहले तो ए का अकाउंट क्लियर कीजिए, 45,000 रुपये लगाए इन्हें 3 महीने बाद। देखिए यहाँ पर 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 15,000 रुपये की वृद्धि करता है, यानी कि 3 महीने तक तो इसके 45,000 रुपये लगे रहे। यही हम कहना चाह रहे थे आपसे कि पूंजी और समय के गुणनफल, पूंजी और समय का गुणनफल हो गया। अब इसका योग का मतलब क्या है, यानी कि बाद में उन्हें रुपया कितना बढ़ाया है दोस्तों? रुपया बढ़ाया उसने 15,000 रुपये। ए ने कितने रुपये बढ़ाए यहाँ पर? 15,000 रुपये बढ़ाए, यानी कि 45,000 15,000 मिला देंगे तो अब कितना रुपये होगा ए के? 45 15 60,000 रुपये। ये दोस्तों कितने टाइम के लिए लगा रहा है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन के लास्ट में क्या रखा है, वर्ष के अंत में, यानी कि 1 साल की बात हो रही है। तो 3 महीने के लिए दोस्तों इसके 45,000 रुपये लगे रहे, उसके बाद पूरे टाइम के लिए, पूरा टाइम कितना होगा? 12 महीने का 1 साल होता है, ठीक है। तो 3 होगा यहाँ पर, तो कितना बचा? 8 9 10 11, तो यहाँ पर हो गया 9। ये दोस्तों ए का निकला है हिस्सा, रेशियो, बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ए ने ध्यान से फिर से समझिए, 45,000 रुपये जो थे 3 महीने के लिए लगाए, फिर 15,000 रुपये की वृद्धि की, तो इस प्रकार ए के 60,000 रुपये 9 महीने तक और बिजनेस में लगे रहते हैं। तो ये ए का हिस्सा निकाल लिया, ठीक है। अब जो लाभ होगा वो इसी में से होगा। बी का हिस्सा देखिए, बी भैया क्या कर रहे हैं, 15,000 रुपये यहाँ से निकाल ले रहे हैं, क्योंकि अगर लिखा जबकि बी उतना ही रुपया व्यवसाय से निकाल लेता है, तो बी ने, बी का पहले कितना लगा था यहाँ से? 60,000 है, 60,000 रुपये लगा 3 महीने के लिए लगा था, ठीक है। अब इनने क्या किया, 15,000 रुपये निकाल लिए। अब यानी कि 60,000 में से इनके कितने रुपए रह जाते हैं बिजनेस में? सिर्फ 45,000 रुपये। ये इनके कितने महीने तक लगे रहेंगे? 9 महीने तक लगे रहेंगे, तो अभी तो 9 3 12 होगा, ठीक। अब सी का रेशियो निकाल लिए, सी का रेशियो क्या कह रहा है, सी भैया क्या करते हैं उसके 3 महीने बाद, यानी कि 3 महीने पहले होगा और 3 महीने और जुड़ने के बाद, यानी कि टोटल 6 महीने बाद भैया सी आते हैं और 75,000 रुपये लगा के बिजनेस को शुरू कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सी आए भैया,
75,000 रुपये लेके, और कितने कितने महीने के लिए इनका रुपया लगेगा सिर्फ, क्योंकि 6 महीने बीत चुके हैं, अब बचे कितने महीने, 12 में से अगर 6 घटा दें तो 6 महीने बचे, यानी कि सी का जो रुपया लगेगा सिर्फ 75,000 × 6, ये 75,000 रुपये 6 महीने के लिए लगे। अब दोस्तों इस प्रकार वर्ष के अंत में लाभ हुआ 5,000 रुपये, ए को बी से 5,000 रुपये अधिक मिले। फिलहाल तो अभी पहले आप लोग इस रेशियो को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम लोग अगर 3 जीरो कॉमन ले लेंगे, इसमें से इसमें 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 ये सारे आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो इसके लिए दोस्तों हमें आप बता दीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पे, तो हम उसके फोटो खींच के आपको समझा देंगे कैसे लगेगा। 9889558974। अगर आपकी ये चीज़ समझ में नहीं आई तो दोस्तों आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, बाकी तो फिलहाल सभी की समझ में आ गया होगा, ठीक है। कॉमन लिया हमने, 0 0 सबके कट गए। अब देखिए क्या बचा है यहाँ पर, यहाँ बचा है आपका और कट, अभी कट सकता है, अभी आपका 15 से कट सकता है। 15 3 45, 15 4 60, 15 4 60, 15 3 45, 15 5 75। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर क्या बच रहा है, 9 प्लस 4 4 9 36, ठीक है, ओके। फिर देखिए दोस्तों रेशियो में, 4 3 12, 9 3 27, इस टू 6 5 30, तो 36 और 9 आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा, ठीक है, समझते रहिए। और 12 और 27 कितना हो गया, 27 10 37, 38 39 हो गया, और इस टू 30। अब देखिए किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 10 जा 30। तो दोस्तों आपका इस प्रकार आपका ए बी सी का आपका लाभों का अनुपात आपने निकाल लिया, 15:13:10, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर आपको फिर से दिखाना है क्या क्या रखा है, ए को बी से 5,000 रुपये अधिक मिले, ए को बी से 5,000 रुपये अधिक मिले, ए को बी से 5,000 रुपये अधिक मिले, यानी कि इन दोनों को आपको अंतर दे रखा है, 15 और 13 का अंतर दे रखा है कितना, 5,000 रुपये के बराबर। ये चीज समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसको इससे 2,000 5,000 रुपये अधिक मिले, तो इन दोनों का अंतर है 2 2 = 5,000 है, और आपको निकालना किसका हिस्सा है, सी का हिस्सा क्या होगा लाभ में, लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा। तो सी का देखिए क्या है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ से दोस्तों पहले आप लोग 1 बना लीजिए, 1 आपका क्या आएगा, 5,000/2, तो यहाँ से आपका पहले 1 का रेशियो निकल के आ गया, यहाँ से 2 2 4 2 5 10, 2500। तो 10 का कितना हो जाएगा, 10 आपके बराबर कितना हो जाएगा, 2500 × 10, यानी कि दोस्तों कितना आ गया इसका, 25,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर जो सी का हिस्सा होगा, सी का हिस्सा कितना हो गया दोस्तों, 25,000 रुपये हो गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपके बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, अब तक बिल्कुल दिक्कत नहीं लग रही होगी इसको समझने में, ठीक है। तो बस दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट को, ये आपका जो है यही है बस तरीका इसे लगाने के लिए, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, एक क्वेश्चन तो इसका आता ही आता है पार्टनरशिप से। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल से ध्यान से समझते रहिए, वीडियो को बिल्कुल बिना स्किप करे देखें, ताकि आपके एक एक चीज बिल्कुल क्लियर होती चली जाए, ठीक है। अभी दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन इसका इसी तरह का एक और लिया है, इससे दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल बिल्कुल ही दिमाग में घुस जाएगा, करते समझ लीजिए आप लोग, बिल्कुल कहीं बाहर नहीं निकलना, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा माइंड में। देखिए क्या है, समझिए भैया, ए है और बी, यहाँ पर 2 पार्टनर है, कितने पार्टनर, 2 पार्टनर है आपके, ए है बी है, जो अपनी 4:3 की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आप लोग सिर्फ इसे 20 सेकंड में लगा सकते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है, अगर आपके समझ में आ गया है तो। 4 महीने बाद ए अपनी पूंजी का 1/4 व्यवसाय से निकाल लेता है, जबकि बी क्या करता है, अपनी पूंजी का 1/3 भाग व्यवसाय में मिला देता है, यानी कि 4 महीने बाद ए ने इतना हिस्सा निकाला और बी ने इतना हिस्सा मिलाया। यदि वर्ष के अंत में उन्हें 18,900 रुपये का लाभ हुआ हो तो ए का हिस्सा क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार का कुछ नहीं है, ए और बी का सबसे पहले आप लोग रेशियो निकाल लीजिए, एक ए का रुपया कितना है यहाँ पर, 4 है, और बी का रुपया लगा है यहाँ पर 3। फिलहाल तो अभी पहले ए का हिसाब किताब क्लियर कीजिए। ए ने 4 भाग लगाकर व्यवसाय को शुरू किया, और 4 महीने बाद इसने अपनी पूंजी का 1/4 हिस्सा निकाल लेता है। तो पहले तो आपका ये 4 महीने तक इसके 4 भाग लगा रहा पूंजी का, उसके बाद कितना निकाल लेता है, 1/4, यानी कि 4 का 1/4 अगर होगा तो कितना आ रहा, 1 आएगा, तो 1 इससे निकाल लेते हैं, यानी कि अब कितना लगा रहेगा, अब बचा सिर्फ उसका 3। तो ये कितने महीनों के लिए लगा रहेगा, ये लगा रहेगा आपका 8 महीनों के लिए, तभी तो 8 साल 12 होंगे, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, वर्ष, 1 वर्ष की बात हो रही है, वर्ष के अंत पूछा जा रहा है, तो 1 साल की बात हो रही है। अब यहाँ से बी का देखिए कितना है, बी लगाता है अपनी 1/3, बी का हिस्सा कितना है यहाँ से, बी जो अपनी पूंजी लगाता है 3, ये भी कितने महीने के लिए लगी है इसकी, 4 महीने के लिए,
और 4 महीने बाद जी भैया 1/3 भाग क्या कर रहे हैं, व्यवसाय में मिला ले रहे हैं। तो व्यवसाय मिला ले रहे हैं, ठीक है, पहले 3 था, 1/3 मिला ले रहे हैं, यानी कि इनका एक बढ़ेगा। पहले इनका 3 था, अब इनका कितना लग रहा है बिजनेस में, 4 लगा है, ये इनका भी 8 महीने तक के लिए लगा रहेगा, क्योंकि 1 साल के लिए लग रहा है ना। अब दोस्तों कुछ नहीं रह गया, दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 4 चौक 16 प्लस 8 3 24, ठीक है, और रेशियो यहाँ से क्या जाएगा, 4 3 12 और 8 6 32, सॉरी यहाँ प्लस लगेगा, 32, ठीक है। अब इसे आप लोग जोड़ लीजिए दोस्तों, 16 और 24 कितना हो गया, 6 4 10, 2 3 और 1 4 40 आ गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 42 43 44। दोस्तों रेशियो कितना आ गया, यहाँ से कट जाएगा, किससे कट रहा है, 4 से कट जाएगा। देखिए 4 10 जा 40, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो दोस्तों आपका ए और बी का अनुपात कितना निकला है, 10 और 11। बहुत ही दोस्तों, बस इसमें क्या ध्यान रखना होता है, अगर आप लोगों ने रेशियो निकाल लिया अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप में रेशियो निकाल लिया, तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाता है। तो ए का हिस्सा पूछ रहे हैं आपसे, तो ए का हिस्सा निकल आएगा, ए का कितना होगा, 10 होगा। तो देखिए ए का हिस्सा होगा यहाँ पर, ए का इसमें भाग है 10, टोटल कितना है, 10 11, यानी कि 10 20 21, 21 में से ए का हिस्सा है 10, तो लाभ कितना हुआ इतना, तो इसमें से लाभ मल्टीप्लाई करके इसका ए का हिस्सा निकल आएगा, तो 18,900 रुपये का देखते हैं क्या होगा। 9 से काटिए, 9 कम 9, 9 2 18, यानी कि 21 नेम 189, तो आ जाएगा 9 2 0 इसके और 1 0 इसका। तो दोस्तों इस प्रकार ए का हिस्सा कितना है, 9,000 रुपये है। क्लियर हो गया। तो दोस्तों फिलहाल दोस्तों पार्टनरशिप में आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में दोस्तों इसके कुछ और टाइप्स हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, वो आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, और इसको इन क्वेश्चन को लगाने की जो भी ट्रिक है, वो दोस्तों आप लोगों से इसके पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ बने रहिए सिर्फ और सिर्फ BSA ट्रिक की क्लासेस में, हम आपके साथ। दोस्तों कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल अगर आप लोगों ने, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करते रहिए। और नीचे दोस्तों आप लोग हमें फेसबुक ग्रुप, हमारे BSA ट्रिकी क्लासेस फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और हमें Google+ पे भी फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉलो करना मत भूलिएगा, फॉलो जरूर करें, ताकि आप लोग तक अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता तो उसके जरिए दोस्तों आप लोग तक पता चल पाए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों से मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी से नमस्कार।